प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब देखो संख्याएं हैं तुम्हारे पास, इन संख्याओं को आप ध्यान से देख रहे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी और कौन सी नहीं होगी। इसके लिए अभी इससे पहले हमने बताया था आपको कि जब इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जीरो हो तब वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर तो किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जीरो नहीं है। तब अब देखिए, अब अगला नियम बनेगा 8 से विभाज्यता का, यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा, वहां पर हमने बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जीरो हो, यहाँ पर नियम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर नियम है यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनने वाली संख्या 8 से विभाजित हो तब वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित हो रही है। पहली संख्या देखिए, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा से बन रही है संख्या 800। कितनी बन रही है? 800 8 से विभाजित है, है क्यों? 8 × 8 = 100। तो ये संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या देखते हैं, हमारे पास है 168, तो 168 को हम विभाजित करेंगे किसमें से? 8 से। देखो 8 × 16 = 21 विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी विभाजित होगी 8 से। इसे देखते हैं, यह है हमारे पास 854, क्या 854 विभाजित होगा? 8 × 8 और 8 × 56 ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या विभाजित नहीं होगी। नियम बना, यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा के से बनने वाली संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तब पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इतनी बात क्लियर? पहला नियम था यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जीरो हो तब वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। आपको कुछ नहीं करना था, केवल आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जीरो ढूंढना था। यदि जीरो था तब संख्या 8 से विभाजित होगी, नहीं नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रूल चेंज हो जा रहा है कि यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 8 से विभाजित होने वाली संख्या हो तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से। क्लियर?